हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैंने तीज के बहुत सारे ब्लॉग्स अपलोड करे थे, तीज का पार्ट 1 पार्ट 2। आई होप आप सबने देखे होंगे, क्योंकि उस ब्लॉग को सबने बहुत बहुत पसंद करा है और सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा लाइक आए हैं। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पर्सनली वो ब्लॉग बहुत अच्छे लगे हैं। और जिसने अभी तक वो ब्लॉग्स नहीं देखे हों तो पहले जाके वो ब्लॉग्स देख लीजिए। और मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी अपडेट देने के लिए आई हूँ कि जैसे अभी अभी तीज के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे, तीज का सेलिब्रेशन मैंने पूरा आप लोगों के साथ शेयर करा, सारी वीडियोज़ दिखाई आप लोगों को, मम्मी के घर जाना, वहाँ से यहाँ पर आना, हमने तीज कैसे सेलिब्रेट करी, अपना पूरा तीज का लुक सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करा। और आप लोगों ने उन ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा लाइक करा, तो वैसे ही अब बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि अब रक्षाबंधन आने वाली है। तो मुझे आप लोगों की एक हेल्प चाहिए। इस बार रक्षाबंधन 2 दिन है, 30 एंड 31। तो आप लोग कब बना रहे हैं रक्षाबंधन, कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को, क्योंकि हमारे यहाँ पे भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती। आई होप किसी के यहाँ पर भी नहीं बांधी जाती होंगी। और 30 तारीख को भद्रा लग रही है, तो इस वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस दिन आप लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें, किस दिन करना चाहिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट। वैसे मैंने बात करी है पंडित जी से, तो उन्होंने बताया है कि 30 तारीख को भद्रा लग रही है सुबह 10:07 से लेकर रात को 9:09 तक। तो इतने टाइम के बीच आप भद्रा में राखी नहीं बांध सकते, क्योंकि भाइयों पे बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इस वजह से हमने डिसाइड करा है कि हम 31 के मॉर्निंग में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है रक्षाबंधन वाले दिन। पहले पूजा होती है, उसके बाद राखी बांधी जाती है, सोना पूजा जाता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ 30 की रात को अगर भद्रा ख़त्म होगी 9:30 तो उस टाइम तो हम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने खाना खा लिया होगा, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, तो वो पूजा का टाइम भी नहीं होता है। इस वजह से हम लोग 31 की मॉर्निंग में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। और रक्षाबंधन के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि दीदियाँ आ रही हैं, शादी के बाद हमारी पहली राखी है, इस वजह से मेरी जो नंदे हैं वो सब आ रही हैं, और सबके साथ हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी। बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत बढ़िया हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सब लोग, सारी दीदियाँ, सब सारे बच्चे, सब लोग, और सब बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ मैं ठीक कह रही थी, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, टचवुड। तो सब लोग आ जाएंगे 29 में या फिर 30 को, और जब सब लोग आ जाएंगे उसके बाद बहुत सारी मस्ती, धमाल, बहुत सारा इन्जॉयमेंट होने वाला है, क्योंकि सब लोग होंगे तो सब लोगों के साथ तो मज़ा आता ही है, और फेस्टिवल भी है, तो ये 2-in-1 वाली चीज़ हो जाएगी। और बाकी हम लोगों का डिसाइड हो चुका है कि हम 31 की मॉर्निंग में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 30 तारीख को सब लोगों ने मना कर दिया है, 30 तारीख को हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं करेंगे। अगर आप भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग भी 30 तारीख को सेलिब्रेट ना करें। अगर आपके यहाँ सीधे रक्षाबंधन होती है, पूजा नहीं होती है रक्षाबंधन से पहले, तो आप लोग 30 की नाइट में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, रात को 9:10 के बाद आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं रक्षाबंधन, नहीं तो आप 31 को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर 31 को कोई नहीं आता है तो आप जन्माष्टमी तक रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी तक राखी बांधी जाती हैं। तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिनकी बहनें नहीं आ पा रही हैं, जो भाई नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग जन्माष्टमी तक भी रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर सकते हैं। और हम लोग 30 को तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया हमारे यहाँ पूजा होती है, हम लोग 31 को ही सेलिब्रेट करेंगे, 30 को नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे मैके में सिर्फ कृष्ण जी की पूजा होती है, उनके राखी बांधी जाती है, तो इस वजह से वहाँ हो सकता है, मे बी वहाँ हो सकता है कि 30 को सेलिब्रेट हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, वीडियोस भी डाल रखी हैं मैंने, तो मैं सबके राखी बांधती हूँ। लेकिन सब जगह जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि शादी के बाद मेरी पहली रक्षाबंधन है, और यहाँ पर भी सब लोग आ रहे हैं, तो नहीं जा पाऊँगी मैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबको विश कर दूँगी और सबकी राखियाँ भेज दूँगी।
जा नहीं पाऊंगी, लोकल तो जा सकती हूँ लेकिन बाहर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि सब लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और पहली रक्षाबंधन है वैसे भी शादी के बाद, तो इसलिए सब लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, सब आ रहे हैं और वैसे भी सब आते हैं, दीदियाँ हमेशा आती हैं राखी पे, तो इसलिए हम लोग 31 को राखी सेलिब्रेट करेंगे, 29 को दीदी आ जाएंगी और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करेंगे, कुछ एक्साइटिंग सा करेंगे और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी तक तो मैंने शॉपिंग भी नहीं करी है राखी की, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों की राखी की शॉपिंग कैसी चल रही है, आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है राखी की या नहीं करी है। यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कब जाऊँ कब करूँ, क्योंकि अभी तीज सेलिब्रेशन ख़त्म नहीं हुआ है कि अब 3-4 दिन ही बचे हैं और राखी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, जल्दी जल्दी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर भी देखना है। आज भी मैंने बहुत सारा काम करा है क्योंकि भाई सब लोग आने वाले हैं तो सब कुछ करना है, साफ सफाई भी करनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और इसी वजह से मैं अभी मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन जाऊंगी आज या कल में। आज तो नहीं पॉसिबल है, कल या परसों में देखते हैं, जब भी चीकू पे टाइम होगा तब हम जाएंगे मार्केट और राखी लेकर आऊंगी मैं अपने भाइयों के लिए। और यहाँ पे लोकल में जो है वहाँ तो जा सकती हूँ, लोकल में मेरी चाची के दोनों बेटे हैं, मौसी के हैं तो वहाँ तो जा सकती हूँ, लेकिन बाहर नहीं जा पाऊँगी तो उन लोगों की राखियाँ मैं भेज दूँगी। और बाकी देखते हैं कैसा कैसा सेलिब्रेट होता है, कौन कौन आता है, क्या क्या एक्साइटिंग होता है, हम कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि जब सब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे घूमने के लिए और सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो इसलिए जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए शिवाशी 2815 को। और जैसे आप लोगों ने तीज के ब्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार करा, इतना ज़्यादा लाइक करा है, वैसे ही रक्षाबंधन के ब्लॉग्स भी आप लोग लाइक करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा है मैं डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँगी, तो कम से कम डेली एक ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ, डेली कोशिश करती हूँ कि स्किप ना हो, डेली एक ब्लॉग तो शेयर हो आप लोगों के साथ। और एक चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तो उसमें आप मेरी हेल्प ज़रूर ज़रूर करिएगा कमेंट करके, कि मैं अपने पहली रक्षाबंधन जो है ये शादी के बाद, तो इसमें मैं क्या पहनूँ, मैं साड़ी पहनूँ या फिर मैं कोई ड्रेस पहनूँ या फिर मैं सूट पहनूँ, मेरे पास 3 ऑप्शन है, साड़ी, ड्रेस और सूट। तो आप लोग बताइए कि क्या सही रहेगा, क्या अच्छा लगेगा, साड़ी, सूट या ड्रेस। आपने तीनों में मुझे देख रखा है, रील्स देख रखी हैं आप लोगों ने मेरी, तो आप लोग बताइए कि मेरे पे क्या ज़्यादा सूट करेगा, मैं साड़ी पहनूँ, ड्रेस पहनूँ या फिर कोई सूट पहनूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं राखी के, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। कल बहुत अच्छा एक ब्लॉग आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ, तो आप जल्दी से नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, आप वहाँ से मेरे ब्लॉग्स ईजिली देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। तो और सब लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी भी आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।